नमस्कार दोस्तों, कुकिंग पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बथुआ के पराठा बनाने जा रहे हैं, जो आयरन से भरपूर है, बहुत ही पौष्टिक, बहुत हेल्दी है। तो हमने आधा चम्मच ये गरम मसाला ले रखा है, आधा चम्मच के करीब हमने अजवाइन ले रखा है, आधा चम्मच जो है वो जीरा है, आधा नींबू का रस ले रखा है, 1/4 चम्मच हमने हल्दी ले रखी है, और ये टुकड़ा अदरक का हमने कद्दूकस करके ले रखा है, और आधा चम्मच के करीब ले रखा है हींग, और एक पतला पतला कटा हुआ बारीक मिर्च ले रखी है, और ये नमक है, तलने के लिए घी ले रखा है, और हमने ले रखा है गेहूं का आटा, और बथुआ हमने 1 किलो बथुआ लिया था, सिर्फ पत्तियां मैंने बथुए की निकाली है, तो ये बथुए की पत्तियां निकल करके 250 ग्राम हुई है। मैंने बथुए को गुनगुने पानी में एक बार डाल करके, हल्का सा नमक डाल करके, और फिर धो करके साफ करके निकाल के छन्नी में रखा था, उसके बाद फिर हमने ये ले रखा है, क्योंकि पानी रहेगा हमें ज़्यादा आटा मिलाना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही हम छन्नी में इसको रख देते हैं, इसका सारा पानी निकल जाएगा, तो ये हल्का सा सूख जाता है। तो इसको हम बहुत महीन महीन पतला पतला काटेंगे, काट करके फिर तैयार करके फिर आटे में गूंथ करके फिर पराठा तैयार बनाएंगे। हम इसको थोड़ा सा हल्का सा ग्राइंडर में चलाएंगे। पत्तियों को पीस के ले लिया है, अब हम इसमें इस बाउल में डाल देंगे। हींग भी डाल देंगे, फिर हल्दी पाउडर भी इसी में डाल देंगे, और जीरा भी डाल देंगे, गरम मसाला ये भी डाल देंगे, मिर्चा है ये भी डाल देंगे, और अदरक का मैंने कद्दूकस करके ले रखा है इसको भी डाल देंगे, और अजवाइन को हम हाथ से क्रश करके डालेंगे, तो इसका फ्लेवर अच्छा आता है। अब हम पहले इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे, और उसके बाद फिर नमक डाल देंगे, सारी चीज़ें हम इसमें मिला लेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा आटा इसमें डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको 10 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे, तो आटा हमारा सेट हो जाएगा और सारे मसाले इसमें सब कुछ सेट हो जाएंगे। बहुत ज़रूरी होता है ये थोड़ी देर रखना, डायरेक्ट बनाने में वो चीज़ टेस्ट नहीं आता है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, हम इसको ऐसे बंद करके रख देंगे अभी 10 मिनट। अब हम इसमें जो है हमने थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, ये मैं कूट के ले आई हूँ, और थोड़ा जो नमक हमने बचाया था ये हम घी में डालेंगे, तो ये दोनों हम घी में डाल के मिक्स कर रहे हैं। नमक जो हमने नमक बाकी बचा रखा था उसमें हम थोड़ा नमक इसमें डाल करके और रख देंगे। आप सोच रहे होंगे काली मिर्च और नमक क्यों डालनी है, तो इससे टेस्ट अच्छा आएगा। अब हमारा ये आटा सेट हो गया है, इसको निकाल लेंगे, आटा बढ़िया है, अब इसमें कुछ आटा और मिलाने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। पहले हम छोटी छोटी छोटे छोटे बॉल बना के रख लेंगे। आटे में इसको थोड़ा सा करेंगे, अब इसको हम चारों तरफ से बराबर बेल लेंगे, थोड़ा सा हमें घुमाना पड़ेगा। आटे को हम इतना ही सॉफ्ट रखेंगे, इसे ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे, वरना हमारा पराठा का स्वाद जो है अच्छा नहीं आएगा। अब हम इसमें ये घी लगाएंगे, जो काली मिर्च और
घी हमने लगाई है वो लगाएंगे। और इस पराठे को हम इस तरह से रोल कर लेंगे। और इस तरह से फिर हम इसको दबा देंगे। उसी तरह से हम इसको फिर ऐसे रोल कर लेंगे और फिर दोनों हिस्सों को ऐसे जॉइंट करके और फिर हम इसको चिपका देंगे। ये देखिए अच्छे से बन गया, चार पराठा तैयार हो गया। अब हम चलेंगे इसको सेकने के लिए। तवे पे हम रख देंगे इसको और फिर घी लगा देंगे। तो जो अंदर काली मिर्च और नमक का पेस्ट जो हमने लगाया है उसे इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और काली मिर्च सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। तो नमक भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेंधा नमक, आप टाटा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम घी को साइड में भी फैला देंगे। हल्के से हाथ से दबाएंगे तो ये फूलने लगता है। इसको हम पलट देंगे, खूब करारा होने तक सेक लेंगे। और गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। देखिए कितना अच्छा करारा तैयार हो गया है। हम इसको निकाल लेंगे। अब हम ये चौकोर वाला पराठा भी रखेंगे। इसके ऊपर घी लगा देंगे। नीचे से गया है तो हम इसको पलट देंगे। जो लोग डीप फ्राई नहीं खा सकते हैं उनके लिए पराठा बहुत ही अच्छा है और इसकी पूरी भी बनती है। आपका प्यार ऐसे मिलता रहे तो हम नए नए रेसिपी लाते रहेंगे। जो लोग ज़्यादा घी या तेल नहीं खाना चाहते हैं उनके लिए एक और अच्छा ऑप्शन है। हम पराठे को इस तरह डाल देंगे, इसके ऊपर हम इस पराठे को इसके ऊपर रख देंगे और हमारा जितना भी इस पराठे में घी है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा।
ऐसे पलट देंगे। तो इधर का भी जो घी है, ये देखिए सारी घी इसमें एब्जॉर्ब हो गई। अब इसको हटा देंगे। इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे और फिर सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। अगर आपको हमारी ये बथुए के पराठे की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि यह वीडियो कैसी लगी। और जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में बगल में बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना मत भूलें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमारी सबसे पहले मिले। और आपका जो भी अनुभव होगा वो आप कुकिंग पाठशाला के साथ शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।